ओके ऑल राइट गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेज गॉन। स्वागत है आप सभी का अगले एपिसोड में डेज गॉन के। बहुत ठंडी ठंडी बर्फबारी हो रही है, क्या मस्त लग रहा है नज़ारा। नहीं, सुंदर लग रहा है ना। चलिए, तो आज बहुत ही बड़ा सॉरी एपिसोड है, काफ़ी मतलब खतरनाक नहीं है, बहुत ही इमोशनल एपिसोड होने वाला है, जो कि हम अब इस पूरे एरिया को छोड़ने वाले हैं। ये आप लोग एरिया जो देख रहे हो, लॉस्ट लेक का या फिर टकर कैंप, कोपलैंड, सब कुछ छोड़ने वाले हैं। आप लोग सोचोगे ये क्या बातें कर रहा है। तो मैं आप लोगों को कहानी सो बताऊं, है हमें फिलहाल जो हमारा मेन मिशन है उससे हमें मिलना है माइक से। अब आयरन माइक से भाई ओ क्यों बॉय मिलना माय हमें, क्रेजी विलीज तो आप लोग को एक स्कैवेंजिंग बात बतानी थी हैबिट मुझे, ठीक है? कहानी में बताता हूँ एंड देन फिर आगे का प्लीज मिशन प्लीज शुरुआत करेंगे। बात यह है कि जो सैरा है ना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी जो सिक्योरिटी होती है बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है। और उन लोगों को कभी मतलब कोई भी अगर घटना होती है, चाहे वो बमबारी हो या फिर कुछ भी मतलब नेचुरल डिजास्टर हो या फिर कोई आतंकवादी हमला, कुछ भी हो, तो उन लोगों को सबसे पहले सेफ किया जाता है, ठीक है? तो जस्ट लाइक दैट सैरा जो थी, क्योंकि हम जो मिशन करने वाले गाइज वो मैक्सिमम सैरा का ही मिशन होगा, ठीक है? तो हम सैरा का ही मिशन पे ही हैं एक तरह से समझो आप लोग। तो जो सैरा थी ना, जिस कंपनी में वो काम करती थी, वहाँ पे आई थिंक उसका जो था वो फोर्थ लेवल क्लियरेंस लेवल था। फोर्थ लेवल क्लियरेंस, जैसे कि आप लोग को पता हो ना कि हमारे यहाँ एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी था। तो समझ जाओ एक तरह से उसके पास जेड प्लस नहीं तो जेड सिक्योरिटी था, जेड प्लस नहीं जेड सिक्योरिटी थी। तो हमें ऐसा लगता है कि उसके पास जब जेड सिक्योरिटी थी, और जैसा कि ओ ब्रायन ने बताया कि जब उसे साउथ कैंप ले जाया गया, साउथ कैंप में जाके, तो उस वक्त हो सकता है कि वो वहाँ मारी गई होगी, उसने वैसा बोला था। लेकिन जब हमको पता चलता है कि नहीं, उसके पास तो जेड प्लस या नहीं जेड सिक्योरिटी थी, यानी कि इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी थी, यानी कि उस कंपनी, जिस कंपनी में सारा काम करती थी, उस कंपनी के लिए इसका मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थी। तो मे बी उसे वो वहाँ पे हमला या फिर कुछ सिचुएशंस, जिस कैंप में वहाँ ठहरी थी वहाँ खराब होने से पहले उसे ले लिया गया हो कि आप चले यहाँ से। तो हमें ऐसा लगता है। तो इस वजह से अब हम आयरन माइक से बात करेंगे और उस जगह पे जाएंगे, ठीक है? जिस जगह का रास्ता आप लोग देख रहे हो ना, ये नीचे का पार्टी सारा ब्लॉक है, तो ये नीचे अब हम जाने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलते हैं। क्योंकि अब नीचे जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ आयरन माइक को पता और किसी को नहीं पता है। तो हम आयरन माइक से बात करेंगे और उसे मनाएंगे कि भाई चल मुझे पहुंचा दे, और उसके बदले में जो तू कहेगा वो हम करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए यार बहुत सारे काम करने थे मेरे को। देखो मैंने अपने, आप देखोगे मेरे साइड आर्म में मैंने नया गन लिया है, ये देखो साइड आर्म में, फिर ये गन भी नया है, स्नाइपर राइफल भी है। और जहाँ तक बात है ये एक्स की ना गाइस, जितने भी हमारे पास अनलॉक हुए हैं उतने कुछ खास नहीं है, जो भी अनलॉक हुए हैं रेसिपी मिली बन के, ये सबसे बेस्ट था उनमें, तो यही लिया हमने। अपने बाइक को भी अपग्रेड कर लिया है पूरी तरीके से, ये देख लो, ये कि यहाँ पे सैंडल बैग लगाया है, देख रहे हो आप लोग Good कितना to see अच्छा, you, और Deke. कलर यही है। और How's it एक going, सेकेंड boss? मैं गाइस एक मिनट काम करता हूँ, बस एक चीज़ और करनी है एंड देन फिर मिशन की शुरुआत करते हैं Deke, Deke, वाला। Deke. गाइस 1200 Hey, में Blair, सैंडल how are बैग things एम्बो in ले the लेता gun हूँ, trade? दैट्स इट। अब Yep. निकलते हैं यहाँ से, निकलने का समय आ Hey, गया। come around more often. या We वाई miss नॉट, you. चलो जी मे बी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो भी होगा बहुत बड़ा ही होगा। आइए Alright, let's see what the old man's got to say. देखते हैं। आयरन माइक को इतना आसान नहीं है, क्योंकि आयरन माइक ही जानता है वो रास्ते, ठीक है? चलिए मिलते हैं। लिखा है ना, एडवांसिंग द स्टोरी विल लॉक यू आउट फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स। जैसा कि ऑल राइट, देखते हैं, बात No करते way हैं। over the Tilson Pass. You told ये me गाइस once. ये I टिल्सन told पास you. जिसके बात हो रही है। Go on. Oh, I come can't on. help you, Deke. Just Draw me a goddamn map. After everything you've done. After everything I've. What about what you've done, old टेलसन man? मैप, Huh? टेलसन पास, Sure, इसी को it's सिर्फ cool, पता but है। things that You you get did. out of Hey, here. you Listen to leave me, me listen be. to me. What if you could take it all back, huh? What if you could fix it? After I put Sarah on a chopper, I felt relieved. How fucked up is that? I was relieved, Mike. That's what I've been living with. And now you're chasing ghosts. You think finding your old lady, if she's alive, you think that's gonna fix it? Make you whole? I don't know, but I gotta try.
All right. Okay. If I do this, what you want, show you the way over the pass, you don't come back. All right. मैंने जैसा कहा था ना दोस्तों कि. All right. You promise me. You don't come back. I got you. All right. ओके गाइस, तो राइड नो मैड अगेन. ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला ना कि इस एरिया को हम छोड़ने वाले हैं, इस पूरे एरिया को छोड़ने वाले हैं. जितना भी ये एरिया देख रहे हो ना आप लोग, ये सारा का सारा एरिया ब्लॉक हो जाएगा जब हम इस वाले रीजन, ये जो रीजन देख रहे हो, देखो ये रीजन जो देख रहे हो आप लोग, ये रीजन जब खुलेगा तो ये सारा का सारा एरिया ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक घोस्ट ऑफ सुशीमा में भी आपने अगर देखा होगा तो. या ऑफकोर्स यार, क्योंकि हम बूजर को, रिकी को, एडी को, इन सबको साथ छोड़ के जा रहे हैं. क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यार एक मकसद होना चाहिए ना जिंदा रहने का. जैसे कि बूजर का एक मकसद हो गया है, उसके एक डॉग है, पहले उसे भी नहीं थी. जस्ट लाइक यार मुझे भी एक मकसद चाहिए कि जिंदा रहने का. मुझे ऐसा लगता है, गट फीलिंग है कि नहीं यार सारा जिंदा है. कितनी भी है तो इसकी वाइफ है, तो इंसान को यार पति पत्नी का जुड़ाव एक अलग ही होता है. फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करेंगी, बातें तो यार बहुत सारी आप लोगों से करनी है, लेकिन कोई बात नहीं. फिलहाल चलते हैं और बूजर से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके, मीटिंग विद बूजर विल एडवांस द स्टोरी, लॉकिंग यू आउट ऑफ द लॉस्ट लेग एज यू राइड साउथ विद आयरन माइक, मेक श्योर दैट यू मेक द टाइम टू टर्न इन योर लास्ट बाउंड्रीज और विजिट बिफोर यू टॉक टू बूजर. ओके, इसका मतलब ये है गाइज कि जितना भी आपको अपग्रेड करना है अपने आप को कर लीजिए, बाइक को करना है कर लीजिए, बाउंड्रीज है जो भी दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद सब कुछ इधर का पार्ट का अनलॉक हो जाएगा. खुलेगा गाइज, खुलेगा, लेकिन बहुत टाइम बाद खुलेगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं बहुत देर गाइस बैठा हूँ, 3 से 4 घंटे में बैठा हूँ गेम पे, एंड देन फिर ये मिशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा चलते हैं, शुरुआत करते हैं. आइए. ऑल राइट, कोई बात नहीं यार, मैं समझ गया मैं. ओ बूजर, अच्छा ये उसको जैकेट दे रहा अपना है जिसपे मॉन्ग्रियल्स फेयरवेल लिखा हुआ है. सॉरी अगर मैं गलती बोल रहा हूँ, तो मॉन्ग्रियल्स मत वर्ड. लास्ट विंटर वी आर अप ऑन फेयरवेल रिज, वी आर वाचिंग द फ्रीक्स. यार इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार, बचपन से बंदा जिसके साथ रहा आदमी. आई रिमेंबर ऑल आई कुड थिंक वाज एवरी वन ऑफ अस, मैन वुमन एंड चाइल्ड, आर नाउ होमलेस, बट यू गॉडडैम रिफ्यूजीज, व्हाट बिलोंग्स टू देम नाउ विल सर्वाइव. Yeah, we've been doing that all right. Surviving isn't living. Something Jack used to say. Doesn't matter when you hit the road where you're heading out to, but you damn well better know where you're coming home to. You know, we never talked about it. While we still wore the colors. All this time out in the freak show when shit like this didn't matter anymore. Yeah, but I think last two mongrels on Earth, farewell originals. Micro boys, most badass drifters on the broken road. Damn straight. Yeah, I guess we did become sort of a brand. We were a lot of things, but we were never a brand. When we wrote out a farewell. Without Sarah, without Jack, or anyone. I knew that we were leaving everything behind. Everything that mattered was gone. This is an unbelievable game, guys. Unbelievable. ये यार farewell देने का मेरे को यार इच्छा नहीं होती यार, बहुत दुख होता है. देखो इसकी आंखों में आंसू हो गया guys. Yep, इसकी आंखों में guys आंसू आ गया. बूजर के भी क्या कर सकता है यार. Yeah, this is so emotionally. Come on, Jack. इस डॉगी का नाम गाइस जैक है. ये भी देख नहीं सकता. You find her. Thank you, man. Thank you. Okay. Mike. Yeah, man. Yeah, Mike. Yeah. I'm ready. ओके ब्रो, ये थोड़ा सा गुस्से में भाई साहब, ये बंदा थोड़ा गुस्से में है कि मैं नहीं जानती. देखो यार
इसने कहा कि भाई मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा लेकिन तुम यहाँ पे मत आना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और जिस जगह पे जा रहे हैं जैसा कि मैंने बोला उस वहाँ पे बहुत ठंडी होगी, तो जैसा कि देखो आप हम लोगों ने मैंने यानी कि बीकन ने जैकेट पहन लिया है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होगी। आएंगे गाइज, ऐसा नहीं है कि इस एरिया में हम आएंगे नहीं, इस एरिया में आएंगे बहुत जल्द, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल बहुत टाइम बाद भी हो सकता है या फिर मे बी गेम ख़त्म हो जाए, जो भी होगा, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर नए गैम्स होंगे, नए एनिमीज होंगे, जो भी होगा आपके साथ खेलेंगे और मज़े करेंगे। चलिए, इमोशनल तो हो ही गया यार फेयरवेल के लिए, क्या आप कर सकते हैं। ओ Hey. रिकी एंड एडी, Hey, Big Mike is taking you over the pass. Yep. You really think she's still alive? Billions of people are dead, but somehow she made it. Hey, we made it, didn't we? If I give up now, if I don't do this, well, then I'm just gonna end up like us, right? Like Iron Mike, like Boozer. Would you call us campers? Yeah? You go and you find your woman. चलो, you know where to find me. या ऐसे भी यहां रह के क्या करेगा, एक बार कोशिश करने में क्या है गाइस, कोशिश करने में क्या, क्या पता हमें मिल जाए सारा। तो मुझे नहीं लगता कोशिश करने में कोई बुराई है। I think that you're afraid to be here. You're afraid to be a part of something. We need you here and that scares the hell out of you. I'm sorry. हाँ यार, अब इसके अलावा और कोई वर्ड भी नहीं है इसके पास। Yeah, me too. क्या कर सकता है। You ready? Yeah, man, I'm ready. Yeah, I'm gonna get the hell out of here. Okay, तो हम रात में जाएंगे। चलो जी, न्यू लोकेशन। तो जैसा कि मैंने कहा, न्यू लोकेशन, न्यू मैप, न्यू कैंप्स, न्यू पीपल एंड एवरीथिंग इज न्यू इन दिस एरिया। लेट्स गो। दिस वे। चलते हैं। Okay, I'm following you. चल भाई, चल चल चल। थोड़ा तेज चला ले भाई, मेरी बाइक बहुत तेज चलेगी तेरे से। ओहो वाह, जस्ट लाइक अ बैड एस, ये हुई ना बात। चला भाई, थोड़ा और तेज चला। ओके, तो लगता है ये लोग बात नहीं करेंगे क्या। मुझे तो लगता नहीं, बात तो जरूर करेंगे। दो लोग बाइक से चलें और बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। गेम में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि इतने इतना ज़्यादा ये लोग बात करते हैं ना। Jack out fishing ये once देखो। before, you know. No shit. अरे 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 अरे। Didn't know what the hell to do with it. That sounds like Jack. Now you ran a pretty tight club. Or you boys raised some hell back in the day. I don't think you murdered anyone. Not in cold blood. It's not murder if they shoot at you first. लगता है कॉर्पोरेट ना आ जाए मेरे का बाइक उस पर। चलो कोई बात नहीं, आ भी गया तो क्या हो जाएगा। चलो, एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे इसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मजे मिलने चाहिए म्यूजिक के साथ। ये सारा एरिया गाइस हमारा देखा हुआ है, सारा एरिया, इसलिए ये हमें मान लिया। ये यहाँ पे हमने आके नेस्ट क्लियर किया था, मुझे याद है। ओके, ये वो एरिया है जहाँ पे रिपर्स के रिपर्स में इंटर किया था। हाँ, ये मुझे याद है एरिया। तो यहाँ से जाएंगे जो रिपर्स का इलाका है वहाँ से, क्योंकि आयरन माइक के अलावा ये रास्ता गाइस किसी को नहीं पता है। तो हमें इनसे ही मदद चाहिए थी, जो कि इन्होंने बखूबी की, लेकिन उसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ी कि हम इस
लॉस्ट लेक, क्या पूरे एरिया में हम नहीं आ पाएंगे अब लॉस्ट लेक तो खास कर। अब ऐसा क्यों कहा पता नहीं, आगे आएंगे, ऐसा नहीं है खुलेगा, नहीं खुलेगा लेकिन सॉरी बहुत टाइम बाद यार, मुझे लगता है इसी वजह से मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत सारे मिशंस कंप्लीट किए हैं गाइज, एंड देन फिर आगे बढ़ाऊँ। चलो ये नीरो चेक पॉइंट हमने कब का डिस्कवर कर लिया, ओके तो यहाँ से जाएंगे क्योंकि हम उस रास्ते को हमने डिस्कवर कर चुके ऑलरेडी, तो ये रास्ता है जो नया हमें ले जाएगा उस तरफ। चलो अच्छी बात है, और ये भी एक तय सीमा तक ही जाएगा, ऐसा नहीं कि ये मुझे पहुंचा देगा एकदम दूर तक जहां तक मुझे जाना है, मतलब ये एक एरिया तक पहुंचाएगा आयरन माइक। हम ये देखो गाइस आ गया ना, मैंने कहा था ना कि ये बर्फ क्यों ले रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जा, आ रहा हूँ बस दो मिनट। बस बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ, थोड़े से स्क्रैप्स ले लूँ। चलो चार स्क्रैप मिल गए ना, चलो चल 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 चल, बस ऐसे ही मेरा मूड बना लेने का। चलो ये देखो गाइस, जैसा मैंने बोला था कि पूरा एरिया फ्रोजन यानी कि बर्फ़ वाला होगा, और यहाँ से शुरू हो गया बर्फ़ का पार्ट, और बहुत ठंडी पड़ेगी, और इस वजह से उसने वो फेयरवेल वाला जैकेट दे दिया इसे, और ये वाला जैकेट पहन लिया। चलो 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 चलो, मैं पीछे ही हूँ, आप टेंशन मत लो। वैसे एमओ की ज़रूरत नहीं यार, एमओ बहुत है मेरे पास। चलो 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 कोई बात नहीं, फुल करके ही तो चला था मैं वहाँ से, वैसे स्क्रैप और स्क्रैप मिल जाते तो अच्छे रहते, लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि बोलोगे कि क्या बार बार कर रहा है ये बंदा। चलो चलो चलो, म्यूज़िक सुन रहे हो, कॉपीराइट आने वाला है, इसीलिए लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों के लिए बहुत करता हूँ। और आप लोग आना, मौसम है यार, ओहो ओके, मैंने कहा था ना एक एरिया तक ये बंदा लाएगा मुझे, इसके बाद अब ये कहेगा भाई तू अलग मैं अलग। ऑल राइट, दिस इज एज़ फार एज़ आई गो, कीप फॉलोइंग द ट्रेल, ऑल राइट, टेक यू डाउन द माउंटेन ऑन इनटू द डायमंड लाइक वैली, ऑल राइट, आई विश यू लक, होप यू आर राइट अबाउट योर ओल्ड लेडी स्टिल बीइंग अलाइव, शी इज, वेल मे बी सो। You gotta ask yourself, Deke, what does it matter if everyone else is dead? ये भी गजब आदमी है, मुझे नहीं लगता ये, जब तक डीकन को ना लगे ना तब तक नहीं। राइट टू द समिट, चलिए चलते हैं। सॉरी गाइस, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट आने वाला है, कोई बात नहीं, होल्ड ऑन यार, मैं कॉर्पोरेट नहीं ले सकता, इतना बड़ा कॉर्पोरेट नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ गया, आ जाए तो आ जाए, चलो कोई बात नहीं, ले लो कॉपीराइट यार, एक ही वीडियो पे ना लोगे, हर वीडियो पे थोड़ी ना लोगे। रिटर्न टू द समिट, समिट से याद आया कुछ आप लोगों को, गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस, यार इंग्लिश गाने वाकई में समझ में नहीं आते लेकिन इतने बढ़िया होते हैं कि यार अनबिलीवेबल। जब डीकन को लगता है ना वो जिंदा है तो बस जिंदा है, किसी और की जरूरत नहीं है सुनने की बात, क्योंकि डीकन पति पत्नी का संबंध गाइस बहुत, मतलब समझते हो ना आप, तो हमारे इंडिया में तो बहुत पवित्र होता है जिसे बोला जाता है। चलो 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 चलो, पहुंच ही गए लगभग, आई थिंक 185 मीटर लेना, तो मैं कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा हूँ, ये आ गया रीजन क्रेटर लेक। अरे अरे अरे, मिशन को कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ भाई, उसी में कहूँ इनको,
गाड़ी मुड़ नहीं रही है यार। ऑल राइट पहुंच गए हम लोग जहां हमें आना था। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। सुबह भी हो गया सोच लो, रात चलते रात भर ये चला है सारा। यार वाकई में यार ये कहानी बहुत बेहतरीन है यार। 2019 में जब गेम रिलीज हुई थी, ओ शिट गनशॉट की आवाज़ है यार, ओ माय गॉड यार। आते आते मुझे नहीं लगा था कि ऐसे हमारी स्वागत होगी। ओह रसल नाम का कोई बंदा आया। मेडे मेडे, अरे यार गाड़ी यहीं रोकते हैं, देखते हैं क्या मसला है। ओह देयर इज अ बूचर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ट्रस्ट इंक्रीज। Oh, Jesus. I don't know what we would have done without you, man. Oh, come on. Hey, okay, all right, all right, all right. It's dead. It's cool. Man of the hour. Oh, God. I'm Russell, Glenn Russell. It's Private Mullins. Rick. Oh. Hey, Rick. I'm Deacon St. John. Did you say private? Yeah. Yes, sir. The Deschutes County Militia. Oh, ये लोग militia हैं। मतलब military से guys related हैं ये लोग। Military वाले हैं। No, no, no. I've just been drifting. I came over the salt flats east of Silver Lake. What the hell are you doing out here, man? How'd you get across the 97? Whoa, 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 whoa. Jesus, man. What? This guy just saved your freaking life. The colonel told us to look out for anybody entering the territory, north or south. Well, freaking slow your roll, man. We'll let the captain deal with that, okay? He just killed a freaking ranger, dude. Come with us. We got a camp just by Diamond Lake. Okay. जैसा मैंने कहा था ना गाइस, नया कैंप, नए लोग, और नई मिशन और नई कहानी, सब कुछ नया। You stay here. I'll come back with some fuel. No. Listen, stay here. Use his ammo if you got it. You'll be fine. Okay? अबे डरना नहीं का, डरने का नहीं है। बहुत बढ़िया। ये भी ना बात। चलो। Let's go. चलो भाई। You. ऑल राइट तो हम फॉलो करने वाले, ओके फॉलो करने इस बंदे को आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। इस पूरे एरिया एक तरह से हमारे लिए नया हो गया गाइस। और वो जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो एरिया हम तब तक नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि वो रिपर्स का इलाका था। और यहाँ पे गाइस हमें रिपर्स नहीं मिलने वाले, मैं आप लोगों को बता दूँ, एक अच्छी बात है। सिर्फ फ्रीकर्स ही मिलेंगे और मे बी रॉबरी, बस नहीं मिलेंगे फ्रीकर्स। ऑल राइट चलो, तो ये हमें अपने कैंप के पास ले जा रहा है, तो देखते हैं चलते हैं वहाँ नया क्या है। और कोई कैप्टन आई थिंक उससे मिलाएगा हमें, देखते हैं। पूरा एरिया बर्फ ही बर्फ है, पूरा एरिया। Any women? Hell, that what you're about? Well, you can forget it. Colonel's got rules about that. Fraternizing. इस बंदे का नाम रसल है, रसल। I'm looking for some people and a woman that I rode with a year back or so. They would have come over from Silver Lake and they would have been at one of those narrow ye Diamond Lake ke paas inka camp aur Silver Lake yahan nahi hai, kafi dur hai. It's too goddamn easy to lose track of time out here, you know. Anyway, you guys
गाइस हमें भी तो चाहिए कोई बस्ती है, मतलब रहने का, खाने का, पीने का, तो ये कैंप में भी शायद हम रह सकते हैं, क्योंकि यार हम ऐसे तो रोड पे रहेंगे नहीं, तो पहला स्पीकर खा गए हमें अगले दिन। आई थिंक यही है वो कैंप ना, काफ़ी अच्छी दिख रही है। ओ तो ये है कैंप, काफ़ी बड़ा बड़ा तो नहीं है कुछ, ठीक ही है। पहुंच गए हम। Report. Captain, sir, we had him. We did. Found his bike still smoking. I bet you lost him, huh? No, sir. I mean, yeah, we lost him. We ran into a rager, sir. Where's Mullins? Flores? Flores is dead, sir. I'll have Mullins with the body. That'll be all, Corporal. Go get some fuel. Head back to Mullins. You know what to do. Yeah, yes, sir. If it wasn't for this man, we'd all be dead, sir. I sort of promised him some food and a safe place to camp tonight, sir. Corporal, get the fuck out of here. Military ke log thode hote hi hain. And you are? Name's Deacon St. John. Name's Corey. Derek Corey. Oh my god. Okay. Look at this baby. No, sorry, I'm a little tired. Dekha aap logon ne kuch? Your man Russell said you were recruiting. Why you interested? Ye jo ring pehna hai is bande ne, ye takla banda, ye to takle ne ring pehna hai, ye wahi ring hai jo wedding night ke din Sarah ne Deacon ko diya tha. Aur sabse pehle episode mein सबसे पहले एपिसोड में गाइस सबसे पहले एपिसोड में अगर आप लोग को याद होगा तो सबसे पहले एपिसोड में गाइस इस बंदे ने सॉरी डीकन ने अपनी वाइफ को दिया था कि ये मैं वापस लेने आऊंगा, तो ये इसके पास मतलब तो कुछ दाल में काला जरूर है। चलिए चलिए फिलहाल देखेंगे, लेकिन हम देखो गाइज ये एरिया है जहाँ पे हम आए हुए हैं, ऐसे हम यहाँ जा नहीं सकते। कैनॉट फास्ट ट्रेवल वाइल इन अ मिशन, ये एरिया है जो है मतलब हम यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी दूर आ गए। आयरन माइक कैंप कहाँ है? चलिए फिलहाल बातें करते हैं भाई साहब से। So, where'd you get your gear? Ammo. Well, there's a couple of camps I used to do runs for, bounty hunting mostly. Freaks? Or men? Both. I had a reputation for being able to track shit down, you know? Which camps? Where are they? You know, past the Farewell Valley. It doesn't matter. They're gone now. They're overrun. Russell said you were there when Silver Lake was overrun. Yeah. Let's work, people. That was a shit show, I can tell you. Any survivors? ये सिल्वर लेक के पास ही हमें पता चलेगा जो भी सारा के बारे में, इसीलिए बार बार ये सिल्वर लेक नाम आ रहा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। What is this? Militia script. Camp credits. Okay. Payment for helping my men. Use them at any of the commissaries. Okay. You gonna join up? Stick around. We're getting ready to ride out of here soon. Getting ready to ride out. All right. No problem. You said you had some tracking skills. Yeah, some. This isn't the life of a drifter. We're fighting a war out here. You sure you're up for it? Is that the best you got? I can recruit you, but the colonel is the only one who can swear you in. You stick around. Give us a hand. I'll take you to him myself. I'll be here. देख रहे हो? डीकन की नजर उस अंगूठी पे ही अभी भी. देखो, motherfucker has my ring. He took it from Sarah. He had to take it from Sarah because she wouldn't have given it to him. So that means that she's got to be here. Yeah, of course. गाइज इसका मतलब यही है ना, देखो चोर के दाढ़ी में तिनका, और अगर तिनका मिल गया तो मतलब ये चोर यही है। तो ठीक है, अभी जरा इनसे बातें करते हैं, इन भाई साहब से।
मिलिशिया मतलब इन्हीं ग्रुप को बोला जा रहा है, ये मिलिट्री के लोग हैं तो इन्हें मिलिशिया बोला जा रहा है, सिंपल लाइक दैट। वेट टेलर सेंट जॉन, होली शिट, डीकन सेंट जॉन, इज योर ओल्ड मैन अ प्रीचर और समथिंग? नो Man, that is a hell of a name. All right, listen. You wait. See this, man? This is some crazy shit. Yeah. Whew. So what, you joining up, becoming an army man, you playing soldier and shit? I don't know. Listen, you look like you just came in from out the shit, right? Yeah, man, yesterday. Okay, yesterday. I've been waiting to see the colonel, whatever the hell that is. Traveling with some people, we got separated. You see anyone that looked like this around here? Nah, man. Ooh, she is a looker. I'd hit that, you know. I gotta go, man. They're checking me for lice or some shit. Yeah, ऐसे लोगों पे विश्वास करना भी सही नहीं है। जो करना पड़ेगा इसी करना पड़ेगा। What a name. Jesus, that dude's fucked up. Yeah, चूतिये हैं सारे के सारे। She slapped him in the face. Come on, Sarah. Come. Where the hell are you? 0x3 search the Diamond Lake Militia in Patchment. Maybe in these tents. यार देखते हैं। Yeah, the infirmary. I mean, with her background, that's where she would be, right? No. यहाँ तो नहीं होगी, इतना आसानी से तो नहीं ये लोग दिखाएंगे। यहाँ पे भी नहीं। Damn it, I should not hear either. देखो गाइस, ये भी हो सकता है ना कि या तो उसने छीना होगा, ये भी हो सकता है, मतलब उससे चुराया होगा, या फिर कहीं उसे गिरा। ओह, बाउंटीज भी है यहाँ पे, बहुत कुछ है गाइस, बाउंटीज में भी होगा। ओह, यहाँ मर्चेंट भी है, मैकेनिक्स भी है, मजा आएगा गाइस। क्योंकि हमारी बाइक इसका मतलब और अपग्रेड होगी, बंदूक और अपग्रेड होगी, क्योंकि वहाँ से जो भी बेस्ट बंदूक था ना हमने उठा के लाए। अभी फिलहाल तो वैसे कैंप में है तो कर नहीं सकते कुछ। अरे हो गया, चिल्ला मत ज़्यादा। ऐसे आर्मी वाले ऐसे होते ही हैं। तो मे बी उसने चुराया होगा या फिर कुछ चुराया होगा या फिर कुछ और होगा। यहाँ पे भी नहीं है। नो ओह या और जानते हो गाइस, डीकन को भी ये काम नहीं करना चाहिए कि दो लोगों को फोटो दिखा दिखा कर पूछना चाहिए। मे बी वो लोग भी अगर मतलब उस काम में या किसी अगर उससे किसी ना तरह से जुड़े हुए होंगे तो वो बता सकते हैं। तो वो या मैम ओके मैन, तो ओके गाइस, तो मीट मी एट द गेट, भाई साहब से मिलना है गेट पे अपने बाइक के पास। तो ये जो सामने है छोटा सा कैंप है, ज़्यादा बड़ा कैंप नहीं है, जस्ट लाइक कोपलैंड का भी छोटा ही था। टकर का बहुत बड़ा था कैंप, और साथ में आयरन माइक का भी। तो ठीक है, ठीक है, फिलहाल देखेंगे कि इस बंदे के पास आखिर कैसे, मतलब अभी देखो इस पर शक करना, आप कॉस शक तो कर ही रहे हैं, लेकिन मतलब पूरी तरीके से मतलब इस पर मतलब कर लेना कि ये बदमाश है ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं, फिलहाल तफ्तीश करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि आखिर इस बंदे के पास आया कैसे। क्योंकि देखो छोड़ना तो कुछ है नहीं, कुछ भी अगर निकला ना गलत तो फाड़ के रख देंगे हम, तो जानते हो आप लोग। तो चलता हूँ, अगले एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी और यहाँ से कहानी को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बेहतरीन कहानी है, एक भी एपिसोड मत मिस करना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइज। चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी। थैंक यू सो मच।